नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार के अथक प्रयास के बाद आज से राजगीर हावड़ा रेल सेवा शुरू हो गई। गौरतलब हो कि कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से बंद राजगीर हावड़ा रेल सेवा आज से शुरू हुई है और आज नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार के द्वारा राजगीर स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया गया। यह विशेष ट्रेन राजगीर से मोकामा तक स्पेशल एक्सप्रेस के रूप में चलेगी, फिर मोकामा से हावड़ा तक अपना नंबर बदल कर जाएगी और यह ट्रेन सेवा 15 जनवरी 2020 से बंद थी। इसके बाद से स्थानीय निवासी और यात्री इसे दोबारा चालू करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार ने इस ट्रेन को चालू करने के लिए सदन में भी कई बार मांग किया। हालांकि पहले ही दिन ट्रेन निर्धारित समय से लगभग 45 मिनट के विलंब से राजगीर स्टेशन से खुले। गौरतलब हो कि इस ट्रेन का निर्धारित समय 1 बजे है, लेकिन आज ट्रेन को 1:45 बजे यहां से रवाना किया गया। नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार ने भी संसद में इस मुद्दे को उठाया था और रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। गौरतलब हो कि ट्रेन का संचालन 31 दिसंबर तक किया जाएगा और भीड़ को देखते हुए आगे की योजना बनाई जाएगी और इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार से दिया गया है, जो ट्रेन संख्या 03240 राजगीर से दोपहर 1 बजे प्रस्थान करेगी और 3:27 पर मोकामा पहुंचेगी। वहीं मोकामा से यह ट्रेन संख्या 13030 के रूप में हावड़ा के लिए रवाना होगी और वापसी में ट्रेन संख्या 13029 हावड़ा से मोकामा आएगी और फिर 03239 के रूप में राजगीर तक जाएगी। और इस रेलखंड पर महत्वपूर्ण स्टेशनों में राजगीर, सिलाव, नालंदा, पावापुरी, बिहारशरीफ, वेना, करनौती, हरनौत, अठमल गोला, बाढ़, पंडारक और मौद शामिल है। गौरतलब हो कि रेलवे ने यात्रियों के लिए विशेष सुविधा इस ट्रेन में दिया है और ट्रेन में 3 स्लीपर, 7 जनरल और 2 दिव्यांग कोच शामिल हैं। यात्रियों को बोगी बदलने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है और कई स्टेशनों पर राजगीर से हावड़ा तक के लिए कोई भी यात्री टिकट ले सकते हैं। इस रेलखंड पर जितने भी स्टेशन हैं, सभी स्टेशनों पर हावड़ा तक के लिए टिकट मिल सकता है और आज नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बहुप्रतीक्षित राजगीर हावड़ा रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।